कि खगड़िया में धनबल और जनबल का लड़ाई है। वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहते हैं, लेकिन वो है नहीं, है रुपया फर्स्ट परिवार फर्स्ट। अच्छे अच्छे लोग लाइन में थे, उनको टिकट नहीं देके हीरा कारोबारी को टिकट दिए, और उस एससी एसटी के जो दागी लोग हैं, चार सीटेड लोग हैं, उनको टिकट दिए। कोई मोदी लहर नहीं है, 400 पार ने तरी पार, तरी पार खगड़िया में तरी पार। जाओ मोदी, तो आपका काम तमाम हो गया, यहाँ कोई लहर नहीं है। कि 14 में मोदी जी आए, कहे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और जो विदेश में काले धन है उसको ला करके हर एक गरीब के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। वो नहीं हुआ। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए, 20 करोड़ नौकरी को जाने दीजिए। हमको लगता है 2-4-5 करोड़ जो नौकरी में हमारे युवा थे वो नौकरी से बाहर हो गए। इस वक्त हम खगड़िया में हैं। खगड़िया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, जो मांझी जी की पार्टी है, उनके कार्यालय में है, और उनके जिलाध्यक्ष खगड़िया से संजय यादव जी हमारे साथ में होंगे। खगड़िया में दिलचस्प खेल इस बार हो गया है, जो हम पार्टी है उसके जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने बगावत कर दी है। बगावत इसलिए क्योंकि राजेश वर्मा जो कैंडिडेट है NDA से, LJPR से, चिराग पासवान की पार्टी से, उनके ऊपर SC ST का केस है, चार्ज सीटेड है। इसको लेके जब जानकारियां फैली तो हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी स्थिति बेगूसराय में भी देखने को मिल रही है। गिरिराज सिंह को लेकर तमाम जो हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, उन्होंने मीटिंग रखा और उनका विरोध कर रहे हैं कि हमें इज्जत भी नहीं देते हैं, स्टेज पर बुलाते भी नहीं हैं, कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, और बगावत क्यों किया आपने? आपका भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर खगड़िया जिला के कार्यालय में आपका स्वागत है। बगावत करने का एक ही कारण है कि जब हम लोगों को जानकारी हुआ अखबार के माध्यम से कि खगड़िया के जो LPGR के कैंडिडेट हैं राजेश वर्मा जी, उनके ऊपर SC ST का केस है और वो चार्ज शीटेड है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे स्वर्गीय राम विलास पासवान जी सब दिन दलितों की लड़ाई लड़े, तो दलितों की लड़ाई जब लड़े, या जो हम अंबेडकर जी को देखे जिस तरह से उनके साथ मनुवादी व्यवस्था लोग जाति किए, तो हम इस चीज़ को पसंद नहीं किए कि राजेश वर्मा जी RSS हैं और RSS के लोग के ही द्वारा हमारे बाबा साहब को बराबर अपमानित किया गया। अखिलेश यादव को जो है UP में प्रधान मुख्यमंत्री हटने के बाद उनके आवास को धुआ गया। मांझी जी एक मंदिर में गए, वो निकले मंदिर से पूजा करके, तो उस मंदिर को जो है गंगा जल से धुआ गया। तो हमारे मन में लगा कि अगर हम अंबेडकर जी को मानते हैं, लोहिया कर्पूरी जी को मानते हैं, तो राजेश वर्मा जी का मदद नहीं करना चाहिए। फिर करेंगे क्या? महागठबंधन के उम्मीदवार हैं CPM संजय कुमार कुशवाहा जी, क्योंकि दो ही धारा लड़ा है, NDA और इंडिया। जब NDA से हम बगावत पर हैं तो इंडिया के जो प्रत्याशी हैं उसका समर्थन करेंगे। और हम खगड़िया के आम आवाम से भी कहते हैं कि खगड़िया में धनबल और जनबल का लड़ाई है, तो संजय सिंह जनबल के नेता हैं, जनबल के कार्यकर्ता हैं, ये चंदा करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस तरह यह धरती आज़ादी के समय शहीद प्रभु नारायण जो है हंसते हंसते आहुति दे दिए, और रामविलास पासवान जी सब दिन आरक्षण के सवाल पर, दलितों के सवाल पर ये गरीबों की लड़ाई लड़े, तो उनके आत्मा को शांति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब राजेश वर्मा जी जो धनबल वाले कैंडिडेट हैं वो हार के जाएंगे, और जनबल वाले कैंडिडेट जीत के जाएंगे, तो उस सदन में संविधान का भी रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को भी बनाए रखेंगे, जो हमारा और आपका भाईचारा है, जो गंगा यमुना तहजीब है, उसको भी बरकरार रखेंगे। इसलिए हम खगड़िया के आम आवाम और मतदाता से प्रार्थना करते हैं, संजय कुशवाहा जी का जो चुनाव चिन्ह है, हसिया हथौड़ा सितारा छाप, जो EVM के क्रमांक 3 पर है, क्रमांक हसिया हथौड़ा सितारा छाप के सामने वाले नीला बटन को दबा करके जो SC ST के चार सीटेड कैंडिडेट हैं, अभी आप पार्टी में हैं कि छोड़ दिए हैं? पार्टी में हम 30 तारीख को इस्तीफा दिए, लेकिन पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने एक पत्र जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आया कि आपके इस्तीफा को अस्वीकृत किया गया। हम पार्टी में हैं, पार्टी में बने हुए हैं। जब आपको सर जानकारी है कि NDA के साथ आप हैं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मांझी जी जो हैं वो NDA के साथ में हैं, वो पहले बोला करते थे कि हम जो है मंदिर में गए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब तो जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं, और आपको पता है कि BJP में कई लोग हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं, फिर भी उनके साथ समझौता किए, उस वक्त आपको दिक्कत नहीं हुई? उस वक्त दिक्कत इसलिए नहीं हुई
कि आदरणीय जीतन बाबू जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, ये चुनाव लड़ रहे थे गया से, और प्रथम फेज में चुनाव है 19 तारीख को गया में था। हम सोचे हम अगर कोई बगावत पर रहेंगे तो वो उनको असर पड़ जाएगा, तो जीतन बाबू कहेंगे कि कहीं संजय यादव यादव है दलित समझ के, तो ऐसा नहीं रणनीति किया कि हम विरोध करेंगे तो वहाँ जीतन बाबू हार जाएंगे। इसलिए हम लोग मायूस हो करके आहत होते हुए भी 19 तक बर्दाश्त किए, 20 से हम विरोध में आ गए, 29 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम डायरेक्टर मांझी जी से कोई बातचीत हुई है? मांझी जी से इधर बातचीत नहीं हुई है, संतोष बाबू से बात हुई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनिल बाबू से बात हुई जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या आदेश आया है? वो तो कहे कि ऐसा नहीं कीजिए, अगर आप ऐसा किए हैं तो आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के मध्यस्थता के बाद जो है मामला समाप्त हो गया। तो हम कहिए सर ऐसा हम करेंगे, ये कैंडिडेट पैसा वाला है, कहेगा संजय यादव को पैसा नहीं दिए इसलिए हमरे हो गया। जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ आया है, हमको कुछ जानकारी मिली है कि राजेश जी के अच्छी से चला है कि संजय यादव 10 लाख रुपया जो है मांग रहा था, नहीं दिए इसलिए संजय यादव विद्रोह पर चला गया। हम आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के साथियों से कहना चाहते हैं, आदरणीय प्रत्याशी राजेश वर्मा जी से कहना चाहते हैं कि आपका मंडप में कार्यालय है वहाँ CCTV लगा हुआ है, अग्रसेन में आपका कार्यालय है वहाँ CCTV लगा हुआ है, और पारस जी के जो है यशराज होटल में है जहाँ आप ठहरते हैं वहाँ आपका CCTV लगा हुआ है, जहाँ आप ठहरते हैं अगर आपसे रुपया लेने की बात है। मात्र 15 तारीख को जो जिला अध्यक्ष सभी जिला अध्यक्ष का बैठक था 2 बजे दिन में, हम आधा घंटा के लिए यशराज में गए, उसके बाद आज तक यशराज को हम नहीं जानते हैं, कौन रूम में हमारे प्रत्याशी NDA के रहते हैं, आरोप लगा रहे हैं वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। सवाल एक और है कि और क्या मुद्दे हैं खगड़िया के, जैसे स्थानीय बाहरी का ही मुद्दा है, चिराग फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं? नहीं, चिराग फैक्टर इसलिए काम नहीं कर रहा है, जब हमारे आदरणीय रामविलास बाबू जब रेल मंत्री बने तो खगड़िया से लेके अलौली तक रेल दौड़ाने का काम किया, उनके जेहन में खगड़िया का विकास था, उनके जेहन में खगड़िया में का जो कार्यकर्ता है वो कैसे फले फूले ये बात था। चिरागवित कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहते हैं लेकिन वो है नहीं, है पर रुपया फर्स्ट परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट, पैसा फर्स्ट परिवार फर्स्ट। ये आरोप आप लोग क्यों लगा रहे हैं कि टिकट पैसा क्या मामला है ये? नहीं, ये आरोप देखिए हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप आम आवाम चर्चा में है। क्या चर्चा? कि चिराग जी खगड़िया में जो टिकट दिए, पहले से 2-3 कुशवाहा, अजय कुशवाहा लाइन में थे, रेणु कुशवाहा लाइन में थी, शिवराज यादव जो जिला अध्यक्ष हैं वो लाइन में थे, अच्छे अच्छे लोग लाइन में थे, उनको टिकट नहीं देके हीरा कारोबारी को टिकट दिए, और उस SC ST के जो दागी लोग हैं, चार सीटेड लोग हैं, उनको टिकट दिए। ये स्पष्ट है कि रामविलास पासवान जी भागलपुर से हैं शायद, हाँ, इससे स्पष्ट होता है कि रामविलास पासवान जी जिस दलित की लड़ाई लड़ते थे, चिराग जी कहीं ना कहीं उसमें मामला फंसा हुआ है लेन देन का, इसलिए जो है राजेश वर्मा जी को टिकट। मोदी लहर? कोई मोदी लहर, कोई मोदी लहर नहीं है, 400 पार ने तरी पार, तरी पार खगड़िया में, तरी पार जाओ मोदी, तो आपका काम तमाम हो गया, यहाँ कोई लहर नहीं है। बोलते हैं कि बहुत सारा काम गिनाते हैं कि मंदिर वगैरह हर चीज बनाए हैं हम, देश मजबूत किए हैं, 370 हटाए हैं, आतंकवाद खत्म कर दिए, जो पत्थर फेंकता था अब कंकर नहीं उठा सकता है। मंदिर मस्जिद का जो बात है सर, वो आस्था का चीज है, वो प्रचार करने का चीज नहीं है। रही धारा 370 की बात, धारा 370 संपूर्ण नहीं मोदी जी हटाए, उसमें जो बी है, धारा 370A और B है, उसका प्रभाव है कि नहीं हमको ये बताइए? प्रभाव नहीं है, क्योंकि लोग जान रहा है कि धारा 370 का जो बी हटाया गया उससे अडानी को वहां जमीन खरीद, धारा 370B यही है कि हमको कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, वो हटा करके अडानी अंबानी वहां जमीन खरीद रहा है। और क्या क्या मुद्दा गूंज रहा है, रोजी रोटी रोजगार महंगाई, इस पे यहाँ गूंज रहा कि 14 में मोदी जी आए, कहे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और जो विदेश में काले धन है उसको ला करके हर एक गरीब के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, वो नहीं हुआ। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए, 20 करोड़ नौकरी को जाने दीजिए, हमको लगता है 2-4-5 करोड़ जो नौकरी में हमारे युवा थे वो नौकरी से बाहर हो गए। यहाँ लड़ाई है बेरोजगारी जो मिटाएगा, किसानों की MSP के सरकारी का कानून दर्जा जो देने के बात करेगा, महिलाओं के सम्मान करने की जो बात करेगा, SC ST का सुरक्षा का जो बात
जो बात करेगा वह बात कर रहा है इंडिया गठबंधन का आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, ये सब लोग कि हमारी सरकार बनेगी, हम 1 करोड़ इस वर्ष 15 अगस्त को हम नौकरी देंगे, 70 लाख खाली है, 30 लाख सृजित करके देंगे, और हमारी खाली 70 सृजित करेंगे जी, और हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो जो गैस 1000 रुपया में भी मिलता है उसको हम 500 रुपया में देंगे। लोगों को लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो गरीबों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, किसानों के लिए है, इसलिए खगड़िया का आम आवाम सारे भेदभाव को भुला के हम लोग एनडीए में मदद कर रहे हैं इंडिया वाले को कि संविधान बचेगा तब हमें, संविधान पर खतरा है। आदरणीय अमित शाह जी कई नेता कई जगह जदयू वाले भी मदद कर रहे हैं, ऐसा खबरें चल रही है, खगड़िया में जदयू वाले मदद कर रहे हैं, किसको? महागठबंधन को, इंडिया को, चाहे संजीव जी हो, कोई कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, डॉक्टर संजीव परवत्ता से विधायक हैं, 20 का बदला ले रहे हैं क्या? 20 का बदला ले रहे हैं, ये बात आपके बात को हम समर्थन करते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार जो विधायक परवत्ता है वो 5 बार के विधायक रही, पूनम यादव जी जो खगड़िया से 2200 वोट से हार गए, साधना देवी जी जो 3,500 से हार गई, ये तमाम लोग जदयू का लोग चिराग पासवान के 20 वाला बदला लेने के लिए बैठा हुआ। चलिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर से ये जिलाध्यक्ष हैं खगड़िया से, और जिस प्रकार से बगावती तेवर है इनका कई जगहों पे, मैं बेगूसराय गया हूँ और कई डिस्ट्रिक्ट गया हूँ, जदयू और जो हम पार्टी के लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं एनडीए का, और वो शिफ्ट होते जा रहे हैं इंडिया के तरफ में, उनका वोटर उनके वोट शिफ्ट हो रहे हैं। क्या बिहार में मोदी जी के साथ खेल हो जाएगा? उनका जो 400 पार का सपना है क्या वह चकनाचूर हो जाएगा? पूरी बातचीत पे पत्रकार जी रवि मेहता खगड़िया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।